ठंडाई एक पेय पदार्थ है जो बादाम, मसालों आदि को मिलाकर बनाया जाता है। ठंडाई गर्मी में बहुत ही लाभदायक समझा जाता है। लेखक खट्टर काका की कहानियों में ठंडाई की उपस्थिति एक सजीव पात्र जैसी है। फिल्मी गानों में ठंडाई का कई बार उल्लेख मिलता है। ठंडाई का नाम जुड़ा है भोलेनाथ शंकर भगवान से और बनारस की नगरी तथा होली के त्योहार से। यह गलत फहमी है कि बिना बूटी यानी भांग की ठंडाई घोटी छानी नहीं जा सकती। वास्तव में ठंडाई पारंपरिक शीतल पेय पदार्थ है। ठंडाई गर्मी के झुलसते शरीर को दाहताप संताप से मुक्ति दिलाता है। ठंडाई प्यास बुझाने के साथ ही मन को भी आह्लादित करता है। यह देसी शरबतों से अलग है इसलिए क्योंकि यह पौष्टिक भी है। ठंडाई होली में मौसम बदलने की सार्वजनिक घोषणा करता है। जिस तरह पंजाब में अमृतसर और पटियाला अपनी लस्सी के लिए मशहूर हैं, वैसे ही ठंडाई बनारस की पूर्वी अंग की कलाकारी है। ठंडाई को गाढ़ा करने के लिए इसमें ना तो पेड़े तोड़ने की जरूरत होती है ना ही ऊपर से मक्खन मलाई मारने की। मिट्टी के कुल्हड़ में ठंडाई पीने से सौंधेपन का पुट आनंद प्रदान करता है। काली मिर्च, इलायची, गुलाब की पंखुड़ियां, मुनक्के, चार मगज, सौंफ के बिना ठंडाई की कल्पना नहीं की जा सकती। ठंडाई का पारंपरिक नुस्खा बहुत जटिल नहीं है लेकिन इसमें मसालों का सही अनुपात होना आवश्यक है। आजकल लोग घर पर भी बोतल बंद ठंडाई में दूध मिलाकर इस पेय पदार्थ को तैयार करने लगे हैं। अगर एक गिलास ठंडाई रोज सुबह पिया जाए तो लू और नकसीर से बचा जा सकता है। गर्मी के दिनों में ठंडाई पेट और शरीर को शीतलता प्रदान करती है। एसिडिटी, पेट में जलन, अपच जैसी समस्याएं ठंडाई से हल होती हैं। ठंडाई का इस्तेमाल मुंह को छाले से बचाए रखता है। मेवे से बनाई गई ठंडाई दिमाग को ठंडा और तनाव तथा चिड़चिड़ेपन से बचाता है। पेशाब में जलन तथा दस्त, डायरिया जैसे और जी मिचलाने जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए गर्मी में ठंडाई बेहतर उपाय हो सकती है। तो ये थी प्रसिद्ध पेय पदार्थ ठंडाई के विषय में कुछ जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे अनेकों जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।